आज हम तहसील कार्यालय में आए कि आज जो किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है और अपने घर की औरतों को 4 बजे रात से चूल्हा चौका छोड़ के और लाइन में मंडी में लगा रहा है, जो 6 बजे तक लाइन में लगने के बाद उसको खाद नहीं दिया जा रहा है। आज मंडी में खाद होने के बाद यूरिया गोदाम बंद कर दी गई कि मशीन पे चढ़ा नहीं है, काय के लिए ये पूरा प्रशासन और व्यापारी इन दोनों की मिली भगत के कारण आज बेरसिया की दंडनीय स्थिति है और किसान को लूटा जा रहा है। जो बोरी 1300 रुपए की है वो 2000 1900 1800 में बेची जा रही है। उसी पीड़ा को लेकर आज प्रशासन को भारतीय किसान संघ अवगत कराने आया है और हमें तहसीलदार मैडम ने 2 दिन का आश्वासन दिया है और अगर 2 दिन के अंदर ये खाद की व्यवस्था बेरसिया के अंदर नहीं सुधरती है तो भारतीय किसान संघ कृषि विभाग और तहसील में ताला लगा के और इन अधिकारियों को अपने घर भेजेगा कि आपकी आवश्यकता नहीं, आप अगर प्रशासन की भूमिका नहीं निभा पा रहे तो फिर हम हमारे हिसाब से इस देश को चला लेंगे, हमारे हिसाब से हमारी व्यवस्था बना लेंगे। जिसकी हाथ लाठी में उसी की भैंस, आज बेरसिया की ये स्थिति है। पूरा प्रशासन व्यापारियों की सपोर्ट करता है, प्रशासन को पता नहीं होता कि कितनी गाड़ी कितने टन माल बेरसिया आया है और कहां रखा है, इनको आगे रह के बंटवाना चाहिए। अभी आप बोल रहे थे 400 बोरियां गोल हुई है, वो क्या मामला है? 600 टन माल भोपाल जिले के अंदर आया जिसमें 200 सहकारी का विभाग को दिया है, 400 टन का पता ही नहीं कहां गया है और बाजार में महामारी डीएपी की पड़ रही है। किसान अपनी जमीनें पलेवा करने के बाद आज कर्री हो गई, मायूस घर लौट जाता है। कितनी दंडनीय स्थिति हमारी बेरसिया की हो रही है। प्राइवेट दुकानें बंद रही है और हमने मांग की है कि जो भी जिस खाद का रेट है वो रेट पूरी दुकानों पे लिखा होना चाहिए, स्टॉक लिखा होना चाहिए और वहाँ कोई भी जिम्मेदार अधिकारी का नंबर होना चाहिए। किसान दुकान पे जाए और रेट स्टॉक सब चेक करे और अगर कोई महंगे दाम बेचता है तो उस अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी को वहीं से फोन लगाएं। ये आज हमें आश्वासन मिला है माननीय तहसीलदार मैडम के माध्यम से और 2 दिन में ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन कर और तहसील और कृषि विभाग पे ताला डालेंगे। आपने आरोप लगाया है जो सरकार कालाबाजारी हो रही है उसका उदाहरण आज ही देख लीजिए आप। सरकारी बेरसिया मंडी में 2-4 गाड़ियां ट्रक यूरिया रखा है लेकिन आज किसानों को यूरिया नहीं बांटा जा रहा है। कल जबकि मंडी की छुट्टी रहेगी, किसान भाड़े की ट्राली से क्या खाद को ले जाएगा या फिर इन्होंने भीड़ को इकट्ठा करने के लिए आज खाद नहीं बांटा। कल जब भीड़ इकट्ठी होगी आधे लोग बगैर खाद के लौट जाएंगे। मैं किसानों द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि बेरसिया में खाद की कालाबाजारी चल रही है और महंगे दामों पे बेचा जा रहा है, इस पे प्रशासन क्या अंकुश लगाएगा? जो भी हमारे यहाँ पे से ड्यूटी लगी गई है हम लोगों को स्ट्रिक्टली करेंगे कि भाई वहाँ पर वो लोग उपस्थित रहे और मेरे द्वारा भी जांच की जाएगी। प्रत्येक केंद्र की हमारे 38 खाद के केंद्र बनाए गए हैं तो कोशिश रहेगी कि मैं भी प्रत्येक केंद्र पर जाके जांच करूँ। बाकी हमारे तहसीलदार और जो अन्य नायब तहसीलदार और उपर तहसीलदार हैं उनके द्वारा भी इसकी जाँच की जाएगी। एसडीएम सर के द्वारा भी इसकी जाँच की गई है, एक केंद्र पर उनके द्वारा भी देखा गया है कि क्या स्थिति है। परसों के दिन कुछ इशू हुआ था तो वहाँ पे जाके टोकन बंटवाए गए, लाइन लगवाई गई और फिर व्यवस्थित सुचारू रूप से उसको चालू नहीं करवाया गया। आज भी अगर कोई ऐसी स्थिति है तो मैं स्वयं जाके आज बेरसिया की जो मंडी है उसमें जो वितरण केंद्र है वहाँ पर लोग बाग रात के लाइन में लगे थे और सुबह उनको खाली हाथ लौटा दिया गया। ऐसी नजीराबाद में समस्या आई तो इस तरह की ये समस्या क्यों आ रही है? मैम इस बार मैं इसको देख रही हूँ कि क्या इशू आ रहा है, मैं वरिष्ठ अधिकारियों से बात करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों इसमें आवंटन नहीं हो पा रहा है। किसान परेशान है, 1900 जितना भोला है उतना भोला है हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक, हमारे भारतीय किसान संघ के मध्य भारत प्रांत के संगठन मंत्री माननीय मनीष जी शर्मा जी मीणा आप है पीछे, आपका निवास भैरोपुरा एक खेड़ी में है और आप हमारी हुजूर तहसील अध्यक्ष का शायद है। आप है श्यामलाल जी कुशवा, आपका निवास नायसमन में है और आप हमारी नजीराबाद तहसील मंत्री का शायद। आप है विष्णु मीणा, आपका निवास ललखड़ा में है, आप हमारी बेरसिया तहसील मंत्री का दायित्व है। आप मुरैना से हैं और आप हमारे भोपाल जिले के प्रभारी हैं।
साहब कैलाश सिंह जी ठाकुर, आपका निवास बैरसिया में है और आप हमारी प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आप हैं वेद प्रकाश जी दांगी, आपका निवास बरौड़ी में है और आप हमारे संभाग के महामंत्री का दायित्व हैं। आप हैं गिरवर सिंह जी राजपूत, आपका निवास भैजागढ़ी में है और आप हमारे जिले के अध्यक्ष का दायित्व हैं। और मैं देवेंद्र सिंह दांगी, निवास सागोनी कला में है और जिला मंत्री का दायित्व हैं। एवं यूरिया की कमी है, पर्याप्त व्यवस्था की जाए एवं कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। नंबर दो, बिजली की अघोषित कटौती बंद करें एवं जले पड़े ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदले जाएं। उक्त समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। नंबर तीन, ये ही विद्युत मुख्यालय पर नहीं मिलते, जिनका मुख्यालय पर निवास नहीं है मुख्यालय पर रहना अनिवार्य है।